Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. So today's video is going to be a huge collective festive haul video. I have some Indian wears and Western wears to show you. For the past 2-3 months, I have been like shopping online and offline both. Ek saath nahi kharida hai, theek hai? Thoda-thoda karke maine ye kharida hai. And June, July, August wala jo season hota hai, this is like a sale season. Har kahin sale rehta hai, online, offline, both. Aur Indian festivals to lagatar chal hi rahe, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, aur abhi Onam nikal gaya, aur abhi Durga Puja aur Diwali. And I just wait for Diwali. This is one of my favorite festival of the year. Anyway, so without further ado, let's begin. So I'm going to be going brand wise. First of all, I have Global Desi. Jis din main Global Desi gayi thi, us din ka maine YouTube short bhi post kiya tha. And I bought two things from there. Wahan pe flat 40% off chal raha tha. First of all, I have this ethnic slip-on. Jab maine ise try kiya pehna, mujhe bahut zyada comfortable laga. Aur mere paas aise black color ka koi ethnic slip-on nahi hai. And these are like statement slip-ons. Isko pehnne ke baad nazre is pe zarur jayengi. So the original price of the slip-on is 1899 और मुझे ये flat 40% off में मिला. Next thing that I got from Global Desi are this earrings. इसमें blue stone है, बहुत ही simple है, subtle सा है, Indian और Western outfit दोनों के साथ चल जाएगा. And ये इतने heavy नहीं है, you know. Next brand that I have is Biba. पहले तो मैं आपको ये blue color का कुर्ता set दिखा देती हूँ. इसका plazo मेरे हाथ में है. मैंने सिर्फ कुर्ता डाल के रखा हुआ है इस वक्त. So ये मैंने online खरीदा है. मैं store गई थी Biba के, वहाँ पे मैंने ये try किया था, मुझे मेरा size नहीं मिला था. फिर मैंने online Biba का store check किया, same डिस्काउंट प्राइस चल रहा था वहाँ पे भी, तो मैंने वहाँ से ये ले लिया. सो ये बहुत ही सुंदर सा कॉटन कुर्ता सेट है. इसमें फ्लोरल प्रिंट है और वो जो फ्लोरल प्रिंट है ना, दिस इज कॉल्ड अजरक. जो अजरक आर्ट है इंडिया का, उससे इंस्पायर्ड है ये. तो इसमें स्लीव्स ना अलग से अटैच नहीं है, स्लीव्स कुर्ते के साथ स्टिच हुए हैं. बहुत ही खूबसूरत कुर्ते का पैटर्न, बहुत ही सुंदर और यूनिक लगा मुझे. ये फ्लेयर्ड कुर्ता तो है ही, साथ साथ इसमें ना गैदरिंग दी गई है, आप लोग देख सकते हो चेस्ट के पास. प्लाजो कॉटन प्लाजो है, प्लेन प्लाजो है. नीचे लेस डिटेल दिया गया है जो कि सेम लेस डिटेल कुर्ता में भी एड हुआ है. काफी कम्फर्टेबल है ये, बहुत एरी, बहुत ही फ्लोई. सो द प्राइस ऑफ दिस ब्लू कुर्ता सेट इज 2159 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, फ्लैट 50% ऑफ था. नेक्स्ट कुर्ता इज अगेन अ फ्लोरल प्रिंट कॉटन कुर्ता. 3/4 स्लीव्स है इसका, वेस्ट की साइड पे अच्छे से सिंच हो जाता है ये और फिर फ्लेयर हो जाता है नीचे जाके. इस कुर्ते में फ्लेयर के साथ साथ साइड में स्लिट दिया गया है, ठीक है. तो ये सिर्फ फ्रॉक पैटर्न का कुर्ता नहीं लगता है. सो आई कैन वेयर जीन्स अंडरनीथ दिस और आई कैन वेयर प्लाजो इसके नीचे, बहुत ही सुंदर लगेगा. एंड द प्राइस ऑफ दिस फ्लोरल कुर्ता सेट इज 1199 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस इज 1999 रुपीज. नेक्स्ट अप आई हैव सम बैग्स टू शो यू फ्रॉम मिंत्रा. ये मैंने एकदम रिसेंटली परचेज किया है, अभी दो दिन पहले ही आए हैं मेरे घर पे. यू गाइज नो माई लव फॉर स्लिंग बैग्स एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दीज टू कलर्स. मेरे पास एक ब्लैक स्लिंग बैग था बट वो फट चुका था, तो इट वॉज टाइम टू परचेज अ न्यू ब्लैक स्लिंग बैग. दिस इज बाय द ब्रांड मैंगो. प्लेन सॉलिड सा ब्लैक बैग है और हल्का सा गोल्ड डिटेल यहाँ पे है और यहाँ स्लिंग में भी दिया गया है. क्वालिटी की मैं क्या बात करूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी. और ये जो बैग है ना, यहाँ से ऐसे खुलता है, यू हैव टू लाइक प्रेस दिस एंड ये ऐसे खुल गया. काफी स्पेशियस है ये बैग. बैग में दो कंपार्टमेंट, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट एंड देन देयर इज अ स्मॉलर कंपार्टमेंट. एक कंपार्टमेंट यहाँ भी है बड़ा कंपार्टमेंट के अंदर. और हाँ, आई कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्लिंग फॉर दिस बैग. सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस बैग इज 3590 बट आई बॉट दिस फॉर 1450 रुपीज. नेक्स्ट बैग इज बाय लेनो पेरोस. इसके डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे. आई बॉट अ क्रीम कलर का. अगेन आई डोंट ओन अ कलर लाइक दिस इन माई कलेक्शन. इसके स्लिंग को भी अगेन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है. यू नो आई लाइक कंपार्टमेंट्स इन माई बैग, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, ताकि मैं डिफरेंट चीजें एक साथ भर के ठूस के रख सकूँ अपने बैग में. अगेन इसका मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे. और इसका ओरिजिनल प्राइस है 2495 रुपीज एंड आई बॉट दिस आफ्टर 50% ऑफ. नेक्स्ट आई हैव चिकनकारी कुर्ताज टू शो यू. आई बॉट दिस फ्रॉम लखनवी चिकनकारी सेंटर. ये 10 समय मार्केट भोपाल में है. पहली चीज तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो दुकान है ना, ये थोड़ा प्राइसी है, बट मुझे जल्दी जल्दी में खरीदना था फॉर रक्षाबंधन. तो मैं एक चीज लेने के लिए गई थी, मुझे तीन चीज पसंद आ गई तो मैंने तीन चीज ले ली. ऐसा होता है कभी कभार शॉपिंग करते टाइम. सो फर्स्ट आई हैव दिस ब्लू कलर का मसलिन चिकनकारी कुर्ता. ये मैंने रक्षाबंधन के दिन पहना था. इतने सारे डीएम्स आए थे ना मुझे कि कहाँ से लिया शालिनी, तो हाँ वो 10 नंबर शॉप से मैंने ये लिया है. मसलिन फैब्रिक इज अ वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, बहुत ही रिच फैब्रिक होता है ये. जरा सा हल्का सा लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है. आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो
थ्रेड वर्क है वो व्हाइट कलर का थ्रेड वर्क है, पूरा नीचे तक अच्छे से दिया गया है, इनफैक्ट स्लिट के पास भी दिया गया है, पैच दिया गया है थ्रेड वर्क का, स्लीव्स में भी एक पैच है थ्रेड वर्क का, और यहाँ नीचे बॉर्डर पे है थ्रेड वर्क। बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया, हल्का सा लूज है ये, बट जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया अपने वीडियोस में कि आई हैव ब्रॉडर शोल्डर, ऑलराइट, तो मुझे कुर्ता अगर यहाँ से फिट हो रहा है तो नीचे से लूज हो जाता है, विच आई डोंट माइंड, आई मीन चिकनकारी कुर्ता लूज लूज भी अच्छा लगता है। सो इसका ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपीज, 10% ऑफ तो मिला मुझे, फिर भी प्राइसी है, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्राइसी है ये। नाउ टू गो विद दिस कुर्ता, आई बॉट दिस व्हाइट कलर के क्रॉप पैंट्स जिसमें नीचे चिकनकारी वर्क है पैंट्स के नीचे, बहुत ही सुंदर है क्रॉप पैंट्स, कॉटन के हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। प्राइस ऑफ दिस इज 990 आई थिंक, दैट्स व्हाट आई पेड, 10% ऑफ, pricey, I know. फिर उसी शॉप से मैंने एक और मसलिन चिकनकारी कुर्ता खरीद लिया, दिस इज ग्रीन कलर और ये ओम्ब्रे पैटर्न है इसमें, ठीक है, तो नीचे डार्क ग्रीन है और ऊपर लाइट ग्रीन है, तो इसमें जो थ्रेड वर्क है ना वो सेम कलर का थ्रेड वर्क है जिस कलर का ये कुर्ता है। अगेन फैब्रिक इसका बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, हल्का सा लूज है नीचे से, बट आई डोंट माइंड। इस कुर्ता का प्राइस इज अगेन 2000 रुपीज, 10% ऑफ में मुझे ये मिला। नेक्स्ट अब आई हैव आइकॉनिक एंड शॉपर स्टॉप, सारे कपड़े मैंने ये आइकॉनिक वाले बैग में डाल लिए हैं। आइकॉनिक और शॉपर स्टॉप में सिमिलर ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे ओनली हो गया, वेरोमोडा हो गया, उसमें फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था और मैं कैजुअल टॉप्स ढूंढ रही थी। सो द फर्स्ट टॉप दैट आई बॉट इज फ्रॉम आइकॉनिक फ्रॉम वेरोमोडा, दिस इज अ बॉक्सी टॉप, इट्स अ सी ग्रीन कलर कॉलर्ड टॉप है ये, एंड 3/4 स्लीव्स है इसका, दिस इज कॉटन मटेरियल, सेल्फ एम्ब्रॉयडरी कपड़ा, विच आई रियली लाइक, सो काफी एयर इसमें आसपास पास हो सकता है। आई एम इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल फॉर दिस, सो इसका जो लेंथ है ये मेरे कमर तक आता है, तो इट लुक्स वेरी गुड ऑन माई बॉडी टाइप। मैं इसका स्मॉल साइज ट्राई किया था, लूज लूज लग रहा था, तो आई बॉट एक्स्ट्रा स्मॉल एक्चुअली फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट टू I have white tops and they both are from Shoppers Stop actually. So this is a white color का solid shirt. Pattern काफी सुंदर लगा मुझे इसका, specially sleeves. यहाँ पे ऊपर से puffy sleeves दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहनने के बाद. And it is very breathable, I must tell you. So it hugs my body at the right place. Smart fit देता है ये आपको. So next white top is a peplum top. बहुत ही अच्छा material इसका. This is chickenkari self embroidery white top. Usually मैं peplum pattern avoid करती हूँ because of my body type. But इसकी peplum pattern में ना नीचे ज्यादा फ्रिल्स ऐड नहीं हुए, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पफी फुला फुला नहीं लगता है, विच आई रियली लाइक, और लेंथ भी एकदम सही है इसका फॉर माय बॉडी टाइप। इसकी स्लीव्स भी हल्का सा उन्होंने फ्रिल ऐड किया है, विच आई ट्रूली लाइक्ड। ओवरऑल इसको पहनने के बाद ये बहुत स्मार्ट लुक देता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांड दैट आई हैव इज H&M। फर्स्ट आई हैव दिस हाई वेस्टेड लिनन शॉर्ट्स, लिनन मटेरियल मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ब्रीदेबल मटेरियल। सो जब मैंने इसे ट्राई किया ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा था फॉर माय बॉडी टाइप, मेरे कमर एरिया पे बहुत अच्छे से फिट आ रहा था, मेरे बट एरिया पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और एक पैटर्न मुझे इस पैंट के बारे में काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो कि मैं मोस्टली ऐसे पैंट्स में सर्च करना पसंद करती हूँ, दैट इज हैविंग प्लीट्स सामने की तरफ, बिकॉज आई डो नॉट हैव फ्लैट स्टमक, मेरे पास एब्डोमन बेली एरिया पे फैट है। दिस काइंड ऑफ पैटर्न लुक्स गुड यू नो ऑन लाइक माई काइंड ऑफ बॉडी टाइप, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इसका ओरिजिनल प्राइस इज 199 रुपीज, और मैंने ये ऑनलाइन लिया तो मुझे फ्लैट 60% ऑफ में मिला था। नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट आर दिस क्रीम कलर के ब्यूटीफुल म्यूल्स, बहुत ही कंफर्टेबल है ये, बारिश के मौसम में मैं इसे बिल्कुल नहीं पहन सकती, एक्सेप्ट बारिश का मौसम, मैं इसे आई थिंक दूसरे मौसम में डेफिनेटली पहन सकती हूँ। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो डिटेल दिया गया है ना, इट्स अ थ्रेड डिटेल, आई एम इन द साइज 40 फॉर दिस, बहुत ही कंफर्टेबल लगे मुझे, एकदम स्मार्ट पीस है ये, साड़ी सूट इंडियन वेस्टर्न हर आउटफिट के साथ ये चला जाएगा। सो द प्राइस ऑफ दिस म्यूल इज 2299 रुपीज, बट ये 30% ऑफ में मैंने खरीदा। लास्ट थिंग फ्रॉम H&M आर सम एसेसरीज, दीज आर ब्रेसलेट्स, सो ये स्टड वाले ब्रेसलेट्स हैं, वेयर दिस विद इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट बोथ, बट मोस्टली मैंने वेस्टर्न आउटफिट को ध्यान में रखते हुए इसे लिया। यू नो, जब भी मैं वेस्टर्न आउटफिट को एसेसराइज करने जा रही होती ना, तो मैं हाथ पे सिवाय घड़ी की और कुछ ऐसे स्टाइल नहीं कर पाती, पहन नहीं पाती, एंड आई वॉज लाइक नो नो आई नीड समथिंग टू स्टाइल माई वेस्टर्न आउटफिट ऑल्सो, तो मैंने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ले लिया। बहुत ही स्टाइलिश डेंटी पीसेस हैं ये, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच इज 699 रुपीज, बट आई बॉट देम ऑन 30% ऑफ। देयर इज वन मोर थिंग, माय H&M बैग विच इज नॉट फ्रॉम H&M एक्चुअली, मैं वेस्ट साइड गई थी और रैंडमली मैंने ये देखा और मुझे पसंद आ गया, दीज आर सन ग्लासेस, सो दिस इज बाय द ब्रांड नुओन एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 599 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस में ही मैंने लिया, कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें, एंड दीज आर यूनिसेक्स सन ग्लासेस। ऑलराइट, अभी इस आउटफिट के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, बट आई थिंक विद लाइक डिफरेंट कलर के आउटफिट ये बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे फेस को ये काफी सूट भी करते हैं ऐसे वाले स्टाइल्स। लास्ट अब आई हैव ज़ारा, ज़ारा में आई थिंक साल में दो बार ही सेल सीजन आता है उनका, अभी तो उनका सेल सीजन चला गया है, बट आई स्टिल वांट टू शो यू व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम देम। फर्स्ट आई दिस सिंपल सॉलिड लिनन मटेरियल टैंक टॉप, सिंपल पीस है बट बेहद ही स्मार्ट पीस है ये, इसका जो कट है स्लीव्स के पास वो डीप कट है, विच आई डोंट माइंड। प्राइस ऑफ दिस इज 990 रुपीज,
and after discount I bought this for 490 rupees. Next up I have this V-shape orange color ka cardigan. Yahan pe button detail diya gaya hai. This is full sleeves aur yahan pe gathering di gayi hai button detail ke paas. So I bought the size small for this, but I do feel ki main extra small bhi leti iska to mujhe wo ho jata, but tab tak der ho chuki thi because I already started like wearing this and styling this. So this is like a loose fit cropped cardigan. So this was also for 990 rupees. I think the original price mujhe tag iska mil nahi raha hai aur online bhi mujhe dikh nahi raha hai. But after discount this costed me 490 rupees. And the last thing from Zara that I bought is this pink color ka crop top. It has gathering detail yahan niche aur ye top hai na ye deep neck hai, but it hugs me at the right place. It enhances the chest area so well. Bahut hi khoobsurat lagta hai. Aur agar aapko crop top ko aur chhota karna hai to aap ise cinch kar sakte ho. And dusra pattern ho jayega is crop top ka. You can also wear this as a blouse for like saree I feel. Aur aise crop tops na main high waisted pants ke sath zyada style karna pasand karti hu. Okay, we are done. This was the last item in today's haul video and this was the haul video for today. You're gonna definitely see lot of YouTube shorts of me styling all this item. So agar aap aise videos dekhna chahte ho then do make sure you subscribe to my channel, like this video with your friends and family, and I'm gonna see you guys pretty soon with a brand new content on my channel. Comment karna mat bhulna, all right? Bye everyone. Take care.